किताबें मनाकिब में लिखी गई उन सारी किताबों में इस बात का लिहाज रखा गया कि कहीं कोई रिवायत इमाम हसन और इमाम हुसैन के सिलसिले में न रह जाए। ये दो फर्जंद थे जिन्होंने सरकार रिसालत मात की फिक्र नजर की मरकजीयत को हासिल कर लिया था और यही दो साहबजादे थे जिनकी जिंदगी ने ये चैलेंज किया कि अगर कयामत तक मुसलमान ये कहते रहेंगे कि फातिमा के अलावा रसूल को और भी बेटियां थी तो इन शहजादों के वजूद ने यह सवाल किया है कि क्या और बेटियों को भी कोई औलाद थी जो रसूल के नवासे बने। यही दो नवासे हैं, यही दो नवासे हैं कि जिनके मुतालिक सब के सब मुत्तफिक हैं कि सिवाय इनके औलाद रसूल अबनाए रसूल में कोई नहीं है। भाई भाई को इतना चाहता था कि तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। हसन इब्ने अली हुसैन इब्ने अली को और हुसैन इब्ने अली हसन इब्ने अली को इतना चाहते थे कि तारीख मख्तले आले मोहम्मद में एक जुमला हमेशा महफूज रहने के काबिल है कि हुसैन इब्ने अली को किसी ने करबला में भी इतना रोते नहीं देखा जितना हुसैन इब्ने अली हसन इब्ने अली की लाश उठाते हुए रोए। भाई की मौत पर इतना रोए है हुसैन इब्ने अली कि करबला में भी इतना रोते हुए किसी ने आका को नहीं देखा था। तारीख आले मोहम्मद का ये वरक भी कितना दिलगुदाज है कि जब हसन इब्ने अली का वक्त रहलत करीब आया तो हुसैन इब्ने अली को नजदीक बुला के कहा, भाई मेरी दिली तमन्ना ये थी कि अगर करबला हो तो मैं रहूं और अगर करबला में तुम पर कोई मुसीबत पड़े तो सबसे पहले मैं अपनी जान लूं, मगर मुकद्दरात अजीज अलीम में ये गुजरा कि मैं न रहूं। इसलिए हुसैन वो जो बच्चा झूले में झूल रहा है मैंने उसको अपना नायब बनाया है, अब वो तुम्हारी तवज्जोहात का मरकज रहेगा। और भाई अगर ये बच्चा अपनी जान फिदा करने के लिए तुम्हारे पास रुख्सत तलब हो तो तुम कभी इनकार न करना, तुम ये समझना कि हसन इल्तजा कर रहा है, हसन रुख्सत मांग रहा है। हुसैन इब्ने अली ने उस दिन को याद रखा, उस बात को याद रखा। करबला हुई, मुहर्रम की दसवीं आई, अली अकबर शहीद हुए, औन मोहम्मद शहीद हुए, अब्बास के सारे भाई शहीद हुए, अब्बास का साहबजादा मोहम्मद इब्ने अब्बास शहीद हुआ, बनी हाशिम में सब के सब शहीद हो गए, तन्हा अब्बास रह गए। अब्बास तो बार बार जब लश्कर की तरफ से आवाज आती कोई है लश्कर हुसैन से निकलने वाला तो अब्बास आगे बढ़ते, सर हुसैन पे किसी सूरत उस अलम को बुलंद करते और आका की तवज्जो को अपनी तरफ मुनतिब करते कि आका ये अलम बरदार
आपकी तवज्जोहात का मरकज है हुसैन, देखते कि अलम अभी तक सर पर लहरा रहा है और अब्बास अलम को थामे हुए हैं, मगर जब अलम से नजर अब्बास पे पड़ती तो देखते कि भाई की आंखों से मुसलसल आंसू जारी है। अब्बास तड़प तड़प के रो रहे हैं। पूछा, अब्बास क्या बात है, क्यों रोते हो? कहा, लश्कर से आवाज आ रही है और अलम बरदार जी रहा है, लश्कर मारा गया और अलमदार रह गया, बड़ी तोहीन होती है। ये सुनना था कि घबराए हुए कासिम खेमे में गए और जाके अपनी वालिदा गिरामी से कहा, अम्मा अगर ऐसे आलम में चचा जान चले जाते हैं तो एक तरफ उम्मे लैला का घर बर्बाद हो चुका, दूसरी तरफ ज़ैनब के नूर नजर मारे गए, अली का पूरा घर खत्म हो चुका, अब अगर चचा जाएंगे हुसैन की कमर टूट जाएगी, अम्मा अब क्या सूरत है? तो माँ ने कहा, बेटा दो सूरतें हैं, एक तो ये कि बाजू से उस हिर्ज को खोलो जो तुम्हारे पदर ग्रामी ने लिख दिया था, वो खत है चचा के नाम, जब भाई भाई का खत देखेगा तो यकीनन यकियाल होगा कि हसन इब्ने अली ने आज के दिन की तैयारी की थी। देखो बेटे तुम जाओ, अगर इसके बाद भी जरूरत पड़े तो मैं खुद बाहर आ जाऊंगा। चुनाचे हसन इब्ने अली के हाथ का लिखा हुआ हिर्ज लिए हुए जनाब कासिम हुसैन की खिदमत में आए, चचा को सलाम किया, खत को पेश किया। हुसैन इब्ने अली ने भाई के खत को देखा, पुकार के रोए और एक मर्तबा कहा, कासिम यही वजह थी तुमको इजाजत न देने की कि मैंने दुनिया में सिर्फ अपने भाई को चाहा है और अब तुमको भाई की निशानी जानकर चाहता हूँ, मैं तुमको कैसे भेजूं ये जानते हुए कि गोया भाई को भेज रहा हूँ, हसन इब्ने अली को भेज रहा हूँ। ठहरो हसन ठहरो, अब्बास इजाजत चाहते हैं, देखें क्या हो। अच्छा है कासिम, तुम्हारी उम्र ही क्या है, कम सुन हो, रहो इन बीवियों का ख्याल करो, इन बच्चों का ख्याल करो। इतनी बातें जो सुनी तो एक मतलब घबरा के दौड़ते हुए अम्मा की खिदमत में आए और कहा, अम्मा अगर कयामत वाकई हो गई और दादी फातिमा ने आपसे पूछा क्यों मैं फरमा मेरे बच्चे का घर उजड़ गया और तूने अपने बच्चे को अजीज कर लिया तो क्या बतलाओगी अम्मा? इतना सुनना था कि चादर को सर पे से डाल लिया, खेमे के पर्दे को उठाया, उम्मे फरमा बाहर निकल आई, हुसैन ने आवाज दी, अरे मैं अभी जिंदा हूँ, ये कौन दीदी बाहर निकल रही है? उम्मे फरमा ने पुकार के कहा, मौला बोले हसन आ रही है। हुसैन इब्ने अली आगे बढ़ गए, बड़े एहतराम से कहा, भाभी कैसे आ गई, क्या बात है? तो हाथों को जोड़ के कहा, मौला बेला की एक दरखास्त को मान लीजिए, मौला ये बेला की नजर कबूल कीजिए, आका कासिम को न रोकिए। इतना सुनना था कि हुसैन कासिम से लिपट गए, तड़प तड़प के रो, हाथ में हाथ लेके कहा, कासिम एक दिल की बात कहता हूँ मेरे लाल, बड़ी तमन्ना थी मेरे लाल के मैं तुझको भूला दे। मैं उलमाए मकासिल की उन तफसीली मबाहिस में नहीं जाना चाहता, मगर साहिब रियाजुल कुद्स ने यहाँ तफसीली बहस की है कि हुसैन इब्ने अली ने क्या किया और क्या करना चाहिए था। खेमे में आए और एक मर्तबा कहा, भाभी
मेरे भाई का अमामा, मेरे भाई की पोशाक, मेरे भाई के असलहे जंग इस मेरे बच्चे को पहना दिए जाए। और जब अच्छी तरह से कासिम को सजा लिया, अपने खेमे में आए, हर तरफ देखा, आवाज दी, ज़ैनब अब ये आखिरी निशानी है मेरे भाई की, मैं इस तरह से इस बच्चे को जंग के मैदान में भेज रहा हूँ। मैं आज आपके सामने और हमेशा आज की तारीख को ये बात कहता हूँ, सुनो, जहाँ जहाँ आवाज जाती है याद रखो, हुसैन शायद ही अली अकबर को इतना चाहते होंगे जितना कासिम को चाहते थे। मैं उसकी वजह भी बयान करूंगा। बाहर निकले और एक मरतबा आवाज दी, अब्बास ठहरो, कासिम जाएंगे। अब्बास सर से लेके पैर तक कांपने लगे, अच्छे मौला हसन की निशानी भी मिल जाएगी और ये भाई बाकी रह जाएगा। मौला मेरी जिंदगी देगा। मगर हुक्म इमाम था, इमाम ने खामोश कर दिया। आवाज दी, भाई सवारी तलब करो। घोड़ा आया, घोड़ा आया। देखिए ये फर्क है, जब अली अकबर का घोड़ा आया था तो अली अकबर खुद सवार हो गए, मगर जब कासिम की सवारी आई, उलमाए मकातिल ने लिखा, चचा ने भतीजे को गोद में उठा के आप जानते हैं कि मैं भी अजीज हूँ, मैं आपको सहमत नहीं दूंगा, मगर मैं क्या करूं, अब ये सातवीं का दिन भी गुजर गया, आठवीं की भी शब आ गई, अब शायद वो वक्त आ रहा है कि ये मेहमान हमसे रुखसत हो। कुल दो दिन बाकी रह जाते हैं, इसलिए अब किसी बात का न मैं ख्याल करता हूँ न आप ख्याल करें। सुने, रोए, मातम करे, अगर जिंदगी ने वफा की तो फिर वफा ने आइंदा देखेंगे, और अगर जिंदगी वफा नहीं करती है तो मौला की खिदमत में अर्ज करेंगे, मौला हमने ये खिदमत की, कबूल फरमाइए। वो जर्रा नवाज है, यकीनन रहमत वासिया से काम लेंगे। कासिम को घोड़े पर सवार किया और दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद किया और अर्ज किया, परवरदिगार उस भतीजे को भेज रहा हूँ जो मेरे भाई की निशानी था। मेरे मालिक, आज हुसैन के दिल और सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। बच्चा चला, एक मरतबा जो ये शजाअत में कासिम उसने हसन ने लगातार पहलवाना ने लश्कर को कबूल करना शुरू किया, ऐसा मालूम हो रहा था कि हसन का जोश जहाज मुजस्म हो गया है। चार पहलवानों को कत्ल किया, किसी की लड़ाई में कत्ल होने वाले पहलवानों के नाम नहीं लिए गए सिवा जनाब कासिम की जान के। पहले पहलवान को कत्ल किया, दूसरे को कत्ल किया, तीसरे को कत्ल किया, इन बच्चों के बाप को कत्ल किया, और उसके बाद जलाल में आवाज दी, कोई है मेरे मुकाबले में आने वाला। लश्कर दुश्मन हो गया था कि हमारे सरदार मारे गए और तरफ से तीर चलने लगे, तीर कासिम के सर जख्मी, गला जख्मी, रुखसार। तुमने याद रखने के काबिल है, जब भतीजा जख्मी होता चला तो हुसैन ने अब्बास से कहा, अब्बास अब्बास अब चलो, अब चलो, कासिम को बचा लेंगे। ये लश्कर अपने सरदारों का बदला लेना चाहता है। कैसे कुल दिल है,
मेरे बच्चे में कीड़ों की बारिश कर रहे हैं, मेरे बच्चे में पत्थर फेंक रहे हैं, दूर से हमला कर रहे हैं, कोई मुकामी जाकर नहीं लौटता है कि इतने में आवाज आई, चचा जान चचा जान, अब मैं घोड़े से गिर जाऊंगा चचा जान, अब कुछ बता सकते तो एक मतलब जलाल के आलम में सलवार उधर से हमला करो, मैं इधर से हमला करता हूँ, अरे मेरा बच्चा अकेला है। दो दकीके हुसैन ने हमला किया, अब्बास ने हमला किया, हुसैन ने अली अकबर की शहादत पे हमला नहीं किया था, अब्बास की शहादत पे हमला नहीं किया था, आलू मोहम्मद की शहादत पे हमला नहीं किया था, अब जो सौ शेरों ने हमला किया, उधर का लश्कर उधर हुआ, उधर का लश्कर उधर हुआ, हासिम घोड़ों के नीचे आ गए, उधर से जाते थे बता जगा जगा।
Yeah, I'm not.